तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग एक बार फिर से। मैं इसराफिल स्नैक्स सेवर इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज सुबह सुबह आप सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से लगभग कितना किलोमीटर होगा सर? 35। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से 35 किलोमीटर और नगड्डी करके गांव है ना, नगड्डी गांव है जो काजी बहरा और जाले के जस्ट बगल में जो है, नगड्डी करके गांव है दोस्तों। उसी गांव में एक स्नेक देखा गया है भोरे भोरे। तो दो वीडियो में बने रहिए, निकाल कर दिखाते हैं फटाफट के अंदाज में कौन सा सांप है। नजरें जमाए रखिएगा, ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्लीज कम वीडियो वीडियो देख सकते हैं। ये आदि है और शायद लग रहा है कि घर के आदमी इसका खेती करते हैं और इतना सारा पड़ा हुआ है, इसको जो है फैलाए हुए है। दोस्तों इसी रूम के अंदर जो है स्नेक देखा गया है और देख सकते हैं यहीं पे बेड है और सोने की जगह है, तो ऐसे में कभी भी खतरा हो सकता था। दोस्तों आप देख सकते हैं इसी को इंडियन स्पिटिकल कोबरा बोला जाता है। तो इसी का नाम इंडियन स्पिटिकल कोबरा है और हमारे बिहार के भाषा में इसको गेहमन सांप बोलते हैं। दोस्तों ये भारत का बहुत ही जहरीला सांप है। इसी सांप के काटने से इंसान की जान 45 से 50 मिनट में हो जाती है। दोस्तों अगर ये सांप काटता है, अगर जहरीला जीव काटता है, गेहमन सांप काटता है आपको, तो हर तन मन में ना जा करके आप सीधा सदर अस्पताल की ओर जाए ताकि आपकी जान बचे। दोस्तों ये सांप काटने के बाद आपके पास जो है एक एक मिनट जो है एक एक सेकंड कीमती हो जाता है। तो आप लोग झाड़ फूक में जाते हैं ये सांप के काटने से तो आपकी जान चली जाती है, न कि आपको झाड़ फूक में जाकर के सीधा सदर अस्पताल जाइए, थोड़ी सी गलती आपकी जान ले लेगा ये। दोस्तों जब भी इसके साथ छेड़छाड़ या कोई बदतमीजी होता है, जब भी जाकर ये काटता है, जब तक आपका पैर नहीं पड़ेगा या कुछ सामान आप उठाने जा रहे हैं उस दौरान आपको पता नहीं है कि उसके पीछे जो है ये काल बन के बैठा हुआ है, आपको जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं वैसे ही आपको बाइट कर लेता है। ये पैर ऐसे पड़ेगा तो आपको काट लेगा ये। ये देखिए ऐसी प्रवेश करता है ये घर के अंदर, दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो जाने अनजाने में जहाँ पैर पड़ा इस पे ये आपका काम हो जाएगा। हाँ। तो पलट के फटाक से वार करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको जो है गड्ढे में डालते हैं, फटाफट जो है निकलते हैं पुलिस में इसको रिलीज करने के लिए। दोस्तों ये जंगल में ही रहने वाला जीव है लेकिन ये भोजन की तलाश में भटक करके हमारे और आपके घरों में आ जाता है। घर में होता अनाज, अनाज के चक्कर में चूहा और चूहा को खाने के लिए सांप अक्सर हमारे घरों में आ जाते हैं। इसका पसंदीदा भोजन चूहा है और चूहा को ही खाता है ये। सांप पे फोकस नहीं आ रहा, पीछे हमारे गांव की कटेला वाली पूर्व सरपंच साहब। ठीक है दोस्तों, अब इसको लेके चलते हैं बस्ती से दूर ताकि ये दोबारा बस्ती की तरफ रुख नहीं करे और उम्मीद करते हैं कि ये बाकी की जिंदगी जंगल में बहुत आराम से गुजारेगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों वीडियो बनाने का एक ही मकसद रहता है कि सांप को इंसान से, इंसान को सांप से बचा के पर्यावरण को सेव किया जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेजुबान की जीव की जान बचाते हुए। जब तक के लिए बाय।